Jai Hind students today we start with lesson 4 mail merging documents in this chapter we will learn the main document in mail merge data source in mail merge merging names and addresses with a letter let think and discuss first page have you एवर सेंड पर्सनलाइज इन्विटेशन कार्ड्स वॉज इट टाइम कंज्यूमिंग क्या आपने कभी इन्विटेशन कार्ड सेंड किया है क्या ये टाइम कंज्यूमिंग था मीन्स क्या इसमें टाइम ज़्यादा लगता है इन्विटेशन कार्ड भेजने में हैवर रिसिव्ड ए पर्सनलाइज सर्कुलर फ्रॉम एनी वेयर क्या आपने कभी पर्सनलाइज सर्कुलर कहीं कहीं से भी रिसीव किया है डू यू थिंक अ लेटर मस्ट बी टाइप अगेन एंड अगेन इंडिविजुअली क्या आप ऐसा सोचते हैं कि एक लेटर को बार बार टाइप करना होता है इंडिविजअली हाउ कैन वी अवॉइड टाइपिंग द सेम लेटर अगेन एंड अगेन फॉर सेपरेट रिसेप्शनिस्ट तो क्या हम इसको अवॉइड कर सकते हैं कि हम सेम लेटर बार बार टाइप करें अगेन एंड अगेन एंड सेपरेट रिसेप्सनिस्ट मतलब अलग अलग लोगों को अगर हमने एक ही लेटर भेजना है एक ही टाइप का मैटर हो तो क्या हम इसको अवॉइड कर सकते हैं इसको अवॉइड करने के लिए मेल मर्च फीचर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें हेल्प करता है मेल मर्ज फीचर इन वर्ड हेल्प यू टू क्रिएट मल्टीपल लेटर्स ईमेल्स एनवलप्स और लेबल्स बाय मर्जिंग डिफरेंट नेम्स एंड एड्रेसेस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये फीचर है मेल मर्च जो हमें हेल्प करता है मल्टीपल लेटर्स क्रिएट करने में हमें कई लेटर लिखने हों ईमेल्स, मेल्स इनवलप्स और लेबल्स बाय मर्जिंग डिफरेंट नेम एंड एड्रेसेस मीन्स मेल मर्ज में मैटर लेटर में एक ही रहता है और डिफरेंट नेम और एड्रेस पर हम सेंड कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज योर स्कूल प्रिंसिपल हैज़ टू सेंड पर्सनलाइज लेटर्स लाइक वन गिव बिलो गिवेन बिलो टू ऑल द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द स्कूल फॉर एग्जाम्पल आपके प्रिंसिपल को एक पर्सनलाइज लेटर भेजना है सभी पेरेंट्स को जो आपके स्कूल में स्टडी करते हैं हीयर ओनली बिलो टू ऑल ही ओनली द बिलो टू ऑल द पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द स्कूल तो जितने भी स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं स्कूल में सभी के पेरेंट्स को हमको ये कार्ड भेजना है इन्विटेशन कार्ड हियर ओनली द पोर्शन हाईलाइटेड इन येलो नीड टू बी चेंज इन एवरी लेटर तो येलो पार्ट्स में जो येलो से अंडरलाइन किया हुआ है सिर्फ इसी पार्ट को हमको चेंज करना होगा बाकी जो लेटर लिखा हुआ है वो सेम रहेगा सभी इन्विटेशन कार्ड में जो हाईलाइटेड है येलो वो सिर्फ चेंज होगा एवरी लेटर में एंड जो मैटर ग्रे ग्रे में है वो चेंज नहीं होगा वो द सेम एवरी लेटर दिस इज कॉल्ड वेरिएबल डाटा इसे हम कहते हैं वेरिएबल डाटा जो कि येलो में है येलो से हाईलाइटेड है इसको बोलेंगे वेरिएबल डाटा द वंस हाई लाइटेड इन ग्रे विल रिमेन द सेम जो ग्रे में है हाई लाइटेड ये सभी लेटर्स में सेम रहेगा लेटर्स टाइपड इन एम एस वर्ड ये लेटर हम एम एस वर्ड में टाइप कर सकते हैं टू क्रिएट अ मेल मस्ज डॉक्यूमेंट यू नीड टू डू द फॉलोइंग मेल मज डोमेंट क्रिएट करने के लिए हमें फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करने हैं फर्स्ट स्टेप है क्रिएट अ मेन डॉक्यूमेंट द इनविटेशन लेटर जो मेन डॉक्यूमेंट है जिसे हम इनविटेशन लेटर कह सकते हैं क्रिएट करना है नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे क्रिएट एन ऑर्डर डॉक्यूमेंट विद द लिस्ट ऑफ एड्रेस एंड नेम्स ऑफ पीपल यू वांट टू सेंड द इनविटेशन टू अब हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसने जिसे भी हमें यह लेटर सेंड करना है उनका नाम एड्रेस जिन्हें भी हमें यह लेटर सेंड करना है उसकी एक लिस्ट बनाएंगे मज द डाटा इन द लिस्ट विद द मेन डॉक्यूमेंट एंड हम जो डाटा है उसको मज करेंगे लिस्ट में विथ द मेन डॉक्यूमेंट मेन डॉक्यूमेंट के साथ में मच करेंगे इस्टेप्स फॉर मेल मच मेल मच करने के लिए हमें जो इस्टेप्स फॉलो करने हैं वो फॉलोइंग है टू गेट द मेल मज टूल्स वी क्लिक ऑन द मेलिंग टैप वेन वी ओपन अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट मेल मज़ टूल के लिए हम फर्स्ट क्लिक करेंगे मेलिंग टैप पर जहाँ पर अभी मेल मज शो हो रहा है मेलिंग टैप पर क्लिक करेंगे वी ओपन अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट तो हमारे लिए एक न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा इसके बाद हम ड्रॉप डाउन मेनू से इस्टार्ट मेलिंग मज पर क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होगा इसमें स्टार्ट मेल मर्ज आपको यहाँ पे शो हो रहा है स्टार्ट मेल मर्ज सेकेंड स्टेप है थर्ड स्टेप क्लिक ऑन स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विज़ार्ड इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विज़ार्ड क्लिक करेंगे जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टार्ट मेल मर्ज में लेटर्स ई मैसेज इन्वेलप लेबल्स डायरेक्ट्री नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट स्टेप बाई स्टेप मेल मर्च व लास्ट में आ रहा है तो हम लास्ट जो है स्टेप बाई स्टेप मेल मर्च वेजार्ट इस पर क्लिक करेंगे और फर्स्ट स्टेप था मेलिंग टैब पर हम क्लिक करेंगे इसके बाद फोर्थ स्टेप है फोर्थ स्टेप ई मेल मर्च टास्क पेन विल ओपन अप स्टेप वन ऑफ सिक्स एज इट्स बॉटम यू कैन सेलेक्ट वेदर यू वॉन्ट टू क्रिएट लेटर्स ईमेल इनवलप्स लेबल्स और अ डायरेक्ट्री मेल मर्ज के बाद टास्क पेन ओपन होती है जिसमें डिस्प्लेंग हो रहा है स्टेप वन ऑफ सिक्स लेटर्स ईमेल मैसेज इनवेलप लेबल्स डायरेक्ट्री नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विज़ार्ड ये स्टेप वन ऑफ सिक्स शो हो रहा डिस्प्ले हो रहा है और इसके बॉटम में जो शो हो रहा है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विज़ार्ड इस पर क्लिक करते हैं यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें लेटर क्रिएट करना है ईमेल क्रिएट करना है इनवलप्स या लेबल्स या डायरेक्टरी हमें क्रिएट करना है यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं क्लिक ऑन द लेटर्स ऑप्शन टू क्रिएट ए लेटर अगर हमें लेटर क्रिएट करना है तो हम लेटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो कि फोर पे है तो लेटर्स पे हम क्लिक कर सकते हैं जो फोर्थ स्टेप है हमारा लेटर्स पे हम क्लिक करेंगे आपको शो हो रहा है लेटर्स लेटर्स so पे क्लिक करेंगे ये हो गया फोर्थ स्टेप तो हमारी स्क्रीन शो होगी मेल मर्ज विज़ार्ड इस टाइप से जिसको आप देख रहे हैं क्लिक ऑन द लेटर्स ऑप्शन टू क्रिएट अ लेटर अगर हमें लेटर क्रिएट करना है तो इस स्क्रीन इस तरह शो होगी ये है मेल मर्जिंग विज़ार्ड. तो अब हम समझते हैं मेल मर मेल मर्ज मेल मर्ज फीचर इन वर्ल्ड हेल्प यू टू क्रिएट मल्टीपल लेटर्स मल्टीपल लेटर जब हमें टाइप करना हो और रिसेप्शनिस्ट कई हों और मैटर सेम हो, तो हम मेल मर्ज ऑप्शन का यूज़ करते हैं जो कि हमें वार्ड में मिलता है इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके स्कूल प्रिंसिपल लेटर भेजना चाहते हैं सभी पेरेंट्स को मैटर सेम है सिर्फ हमें एड्रेस और नेम चेंज करना है तो मेल मर्ज का हम यूज़ कर सकते हैं जो डेटा हम बार बार चेंज कर रहे हैं उसे हम कहते हैं वेरिएबल डेटा द वंस हाई लाइटेड इन ग्रे विल रिमेन द सेम जो ग्रे में हाई लाइटेड है वो सेम रहेगा और जो येलो में हाई लाइटेड है वो चेंज होगा क्योंकि ये नेम और एड्रेस है लेटर्स टाइप इन एम एस वर्ड इस लेटर को हम एम एस वर्ड में टाइप करेंगे एंड जो इस्टेप फॉलो करते हैं मेल मर्ज के लिए फर्स्ट स्टेप है क्रिएट अन डॉक्यूमेंट पहले मेन डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करेंगे इन्विटेशन लेटर के लिए नेक्स्ट स्टेप में लिस्ट ऑफ एड्रेस एंड नेम ये क्रिएट करेंगे इन अदर डॉक्यूमेंट में